अशुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम। शिरडी के लिए बहुत अच्छा होगा अगर आपको हर रोज ऐसे ही सपने आते रहे। कुलकर्णी सरकार की जय। कुलकर्णी सरकार की जय। खड़ा है अपने विद्यालय में रख दीजिए, बच्चों के पानी पीने के काम में आएगा। अल्लाह मालिक, माधव जी। ये है माधव, शिक्षित है, कल से यही पढ़ाएंगे इस विद्यालय में, और यही है इस विद्यालय के कर्ता धर्ता भी। विद्यालय कल से शुरू हो जाएगा, आप सभी लोग अपने अपने बच्चों का दाखिला करवा लीजिए, और अगर किसी का कोई भी सुझाव हो तो बिना किसी संकोच के आप मुझसे आकर मिल सकते हैं, कभी भी किसी भी समय। अरे ओ चलो आई, मैं विद्यालय में भर्ती होना चाहती हूँ। चुप कर। अरे लेकिन आई मैं पढ़ना चाहती हूँ। ये विद्यालय हम जैसे लोगों के लिए नहीं है जिपरी। हम जैसे लोगों के लिए मतलब? इतने सालों में तो इतना भी नहीं समझ पाई कि हम लोग बाकी लोगों से अलग हैं। खेलना तब कोई पसंद नहीं करता है तेरे साथ, तो पढ़ेगा कैसे, नहीं पढ़ने देगा। ऐसा क्या है हम में कि कोई भी हमें अपने साथ नहीं रखना चाहता है? माधव ये है तुम्हारा विद्यालय और घर भी। मुझे लगा था आप मुझसे गुस्सा है इसलिए मुझे घर से जाने के लिए कहा, पर आपने जो मुझ पर कृपा की, काम भी सौंपा है तो इतना महान। ये तो नौकरी है माता, असली काम तो कुछ और है। लौट कर बताऊंगा। हरि ओम। भाईजा प्रसाद। आई वो हाथ गंदे हैं। कोई बात नहीं, मुंह खोल। अरे खोलो। भाईजा इधर आ। बैठ बैठ बैठ। आज मंदिर में सब किसकी बात कर रहे थे जानती हो? खंडोबाजी के मंदिर में तो खंडोबाजी की बात होती होगी ना। खंडोबाजी की बात तो रोज ही होती है, आज सब कुलकर्णी सरकार की बात कर रहे थे जानती हो। कुलकर्णी सरकार ने शिरडी में विद्यालय खुलवाया है, वो भी खंडोबा जी ने कुलकर्णी सरकार के सपने में दर्शन दिए और कहा विद्यालय खुलवाने के लिए। कितना पुण्य का काम है ना, हमें भी उनका साथ देना चाहिए। भाई अच्छे काम में साथ देने से तो हमने कभी मना नहीं किया, हमने कभी कुलकर्णी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं किया है और ना ही कभी ऐसा कुछ करने की हमारी मंशा है, इसलिए हमसे जो भी बनेगा हम जरूर करेंगे। अब आप तैयार हो जाइए, हमें महालसापति जी के यहाँ जाना है ना, आज यमुना का साखर पुड़ा है,
मैं जल्दी से आंगन साफ कर लेती हूँ। मंशा नहीं है ना कुलकर्णी सरकार के खिलाफ कुछ करने की, तो हमें अपने कर्मों से सिद्ध करना होगा। जब तक उस पाखंडी का साथ नहीं छोड़ेंगे ना, कुलकर्णी सरकार तो हमें अपना दुश्मन ही समझेंगे। हमें और किसी से क्या, सिर्फ अपना देखो और खुश रहो। आई, साई भी तो अपना ही है, बेटा माना है मैंने उसे और उसने मुझे माँ। वो अपने ही मन का करेगी, मेरी एक नहीं सुनेगी ना। भाई साहब, आप लोग अब तक तैयार नहीं, यमुना के साकरपुड़ा पे जाना है ना। हाँ बस हम वही बात कर रहे थे, मैं तैयार होके आती हूँ। आई, आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए। हाँ। भाई बापू, रसम है, पूरी तो करनी पड़ेगी ना। रखिए। माता पिता आएं और आगे की रस्म पूरी करें। बधाई आपको भी। हमारी यमुना को इतना अच्छा ससुराल मिला और वो भी बिना दहेज के, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि ऐसे हमारे भाग खुल गए।
पर मुझे तो पहले से ही विश्वास था कि हमारी यमुना का रिश्ता हुआ तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। साई ने जो कहा था। साई? ये साई कौन है? काश इतना आसान होता ये कह पाना कि साई कौन है। एक आभास है साई, शाश्वत सत्य का आभास। ना उन्हें समझा जा सकता है और ना ही परिभाषित किया जा सकता है। मैं इतना कह सकता हूं साई के लिए, वो खंडोबा की भेंट है हमारी शिरडी के लिए। आपकी बात सुनकर क्यों मुझे साई से भेंट करने की इच्छा हो रही है? मैं आपको अवश्य ले चलूंगा, लेकिन मैं तो चाहता हूं कि आप साई से मिले बिना ना लौटें। इसमें विलंब क्यों? अभी चलते हैं। जी, क्या कहते हो, तुम भी चलोगे? देखा सबने, अभी से सब कुछ यमुना से पूछकर करने लगा ये। सारे लोग दाखिले के लिए, अभी पहले दिन। साई, आप साई को? जब मैं रात को रास्ता भटक गया था तो उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। सुनिए, मैं कोपर गांव जा रहा था, रास्ता भटक गया और रात भी बहुत हो चुकी है। समय ही बताएगा कि रास्ता भटक गए या रास्ता पा लिया। समय ही बताएगा कि रात हो जाना बेसबब था या नहीं। समय से बलवान कोई हुआ है क्या? जी नहीं, समय तो सब कुछ है। उस तरफ से पहला घर खंडोबा मंदिर के पुजारी महालसापति जी का है, वो आपकी मदद कर दे। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया। अल्लाह को तूने रास्ता दिखाया, तेरी महिमा मेरे साई। जिसे मैं संयोग समझ रहा था वो वास्तव में आपका आशीर्वाद था मेरी यमुना के लिए। एक दहेज न दे पाने के डर ने मेरे मन को कितना विषैला कर दिया था, ये मुझे अब समझ आ गया। मुझे क्षमा कर दीजिए साईं, मुझे क्षमा कर दीजिए। कभी कभी अमृत को पाने के लिए विष का निकलना भी बहुत जरूरी होता है ना? और नीलकंठ की तरह अब हम सबके जीवन का विष पिए जा रहे हैं साईं। कितने अभागे हैं, क्या आपकी महानता के अथाह महासागर की एक बूंद भी नहीं देख पा रहे हैं। कितने अभागे हैं, यमुना को अपनी पत्नी के रूप में पाना
सिर्फ तुम्हारे या यमुना के नहीं बल्कि तुम दोनों परिवार के अच्छे कर्मों का फल है। तुम लोगों में सुखों की अहमियत समझने का विवेक हमेशा बना रहे। खंडर में कौन रहता है? अरे आपको याद नहीं, वो जो सुबह आए थे फकीर जैसे, मटका भी तो देके गए थे। पर है कौन वो जो इतने सारे लोग मिलने आते हैं उससे? अब यहाँ पे हम आ गए हैं तो धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। मुझे तो इसी बात की खुशी है कि आपको नौकरी मिल गई और हमें रहने के लिए घर। क्यों अध्यापक जी, नौकरी सोचा तो मैंने भी यही था, पर जानती हूं आज सुबह कुलकर्णी सरकार ने क्या कहा? कि नौकरी तो ये है जो मैं कर रहा हूं, पर वो मुझसे कुछ और काम करवाना चाहते हैं। ऐसे यो हरिओ माधव, कैसा लग रहा है नया घर नई नौकरी? उत्साह भी है और सच कहूं तो थोड़ी घबराहट भी। आपने और शिरडी के लोगों ने जो मुझसे उम्मीद रखी है, पता नहीं मैं वो पूरी कर पाऊंगा या नहीं, पर मैं इतना कह सकता मैं जी जान लगा दूंगा इसमें। यो, तुमसे यही आशा है मुझे। सरकार, ये जो खंडर है इसमें कौन रहता है? नहीं, ऐसे ही आज काफी लोग आए थे वहां उससे मिलने के लिए। कुछ विचित्र लगा ना? अरे ओ, अब तुम ही बताओ माधव, कैसा होगा वो व्यक्ति जो अकेला रह रहा है खंडर में? और क्यों, क्या आवश्यकता है? ऐसा कौन सा कार्य है जो सबकी दृष्टि से दूर रहकर छुपकर खंडर में रहकर उसे करना पड़ रहा है? हरिओम, मैं माधव से अकेले में बात करना चाहता हूं। जी। माधव, माधव कौन रहता है खंडहर में बताओ? चोर, डाकू, क्रांतिकारी, अंग्रेज सरकार के शत्रु जो समाज में अराजकता फैलाना चाहते हैं, अस्थिरता लाना चाहते हैं। इसीलिए तो इस ढोंगी पर अंग्रेज सरकार को संदेह है। केवल शब्दों के जाल में उलझाता है। और तुम तो जानते हो हमारी प्रजा, भगवान से संबंधित कोई बात हो तो प्रश्न ही नहीं करती है।
अंधविश्वासी लोगों का समाज है ये, मैं तो कहूंगा अंधों का समाज है। हमें समाज को सत्य दिखाना पड़ेगा माधव, और समाज को सत्य दिखाने के लिए माधव हमें प्रजा की आंखें, प्रजा के कान, प्रजा की नाक बनना पड़ेगा। हरिओम। मैंने कहा था ना तुम्हें माधव, बताऊंगा तुम्हें तुम्हारा काम क्या है। यही है तुम्हारा काम है, उस पर दृष्टि बनाए रखना। ये देखते रहना कि उस बैरागे से मिलने कौन आता है, कब आता है, उसकी दिनचर्या क्या है, उसके प्रत्येक गतिविधि का लेखा जोखा चाहिए मुझे। और माधव ये मत समझ लेना कि ये तुम मेरे लिए कर रहे हो, ये तो तुम अंग्रेज सरकार के लिए कर रहे हो, शिरडी के लिए कर रहे हो। हरिओम। जियो। ये लो, इससे नींद नहीं आएगी और तुम हमेशा सतर्क रहोगे। इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने मुझे एक बहुत बड़ा उद्देश्य दे दिया है। यदि अगर मुझे रात दिन जागना पड़े तो भी मैं जाऊंगा। अगर वो सच में ढोंगी है, क्रांतिकारी है, डाकू है जो यहां भेष बदलकर छुपा हुआ है, तो जनता के सामने उसकी सच्चाई लाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। डकैत, क्रांतिकारी, आपको सच में उसे देख के ऐसा लगता है कि वो ऐसा होगा? आज की दुनिया में कौन क्या है, किसकी असलियत क्या है, कहां पता चलता है? और फिर अगर अंग्रेज सरकार को उस पर शक है तो कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। अब आप ही बताइए, देखने में कितना भोला लगता है वो। अब कुलकर्णी सरकार ने कहा है तो नजर तो रखनी पड़ेगी। सामने नीचे था वो, अचानक से ऊपर कैसे चला गया? आपको कुछ वहम हुआ होगा, चलिए सो जाइए। Thank you.
बांसुरी की आवाज कहां से आ रही है? नर्मदा? हाँ नर्मदा, पूजा के फूल क्यों नहीं है? वो कल रात को बगीचे का किवाड़ खुला रह गया तो बकरियों ने सारे फूल खा लिए। अरे तो बगीचे में फूल नहीं थे तो तुम बाहर से ले आती। सरकार पूजा में बैठने ही वाले, उन्हें अगर फूल नहीं मिले तो? मैं अब भी लेकर आती। तुम रहने दो, दो मैं लेकर आती, तुम बाकी काम देखो। इतनी जल्दी फूल कहाँ मिलेंगे? सब तरफ फूल ही फूल है, फिर इतना सोचना क्या? साई, साई। ये माथे पे क्या लगा रही हो? बैरागी में आशीर्वाद में फूल। मुझे तो लाल फूल चाहिए पूजा के लिए। भगवान सिर्फ भक्त की श्रद्धा देखते हैं, फूलों का रंग नहीं। और किसी को कुछ पड़ी नहीं है मेरी। वहीनी, 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 वह, ए, कहाँ चली गई थी सुबह सुबह? वो पूजा के फूल नहीं थे वही लाने गई थी। पूजा के ध्यान में घर के लोगों की पेट पूजा तो भूल ही गई है ना? बस एक बार पूजा खत्म हो जाए मैं नाश्ता बना देती हूँ। हाँ फूल नहीं थे। कहाँ से भागते हुए आ रहे हो? भूत देख लिया क्या सुबह सुबह? फूल फूल गड़बड़। नमस्ते दुग्धम समर्पयामि। जलम समर्पयामि। चंदन समर्पयामि। पुष्पम समर्पयामि।
सफेद नहीं लाल फूल चढ़ाए जाते हैं। भूल गई? आज बगीचे में लाल फूल नहीं थे। नहीं करो पूजा, ऐसे उठ जाओ। भगवान तो भक्तों की श्रद्धा देखते हैं, फूलों का रंग नहीं। मैंने तो कहा था उस पाखंड में फूल देते समय सरकार को बता देते। हाँ रुको, समर्पयामि। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने पूजा में लाल के अलावा किसी और रंग के फूल चढ़ाए हो। अब जब दादा इन सफेद फूलों की पूरी कहानी सुनेंगे तो इस रुक्मिणी का क्या होगा? तुलसी समर्पयामि। फलम समर्पयामि। नैवेद्यम समर्पयामि। आराम से। काशीराम, अच्छा लगा तुम्हें स्वस्थ देखकर। सब आपका ही करम है साईं। करम तो सिर्फ कर्मों का होता है काशी। लेकिन सिर्फ इस जन्म के नहीं, हमारे पिछले कई जन्मों के अच्छे कर्म कि आप हमारे जीवन में आए। गोदा ने मेरे मुंह की बात छीन ली साईं। थोड़ा चलने फिरने लायक हुआ तो सोचा आपको धन्यवाद बोल दूं। कल से कपड़ों का व्यापार दोबारा शुरू कर रहा हूं। नया जीवन, नई शुरुआत, आपके आशीर्वाद के बिना नई शुरुआत कैसे हो सकती है? आज तो कमाल ही कर दिया तुम दोनों ने। हमसे कुछ भी छुप नहीं सकता, हम शिरडी के कान और आंख हैं। लेकिन आपने सरकार को बताने क्यों नहीं दिया? बताऊंगी सही वक्त आने पर। तब तक तुम लोग मुंह मीठा कर लो। अरे लो ना, तुम दोनों के लिए तो है। इतनी सुबह यहाँ आना मतलब कुछ ना कुछ खबर तो लाया है। अरे माधव, सुबह सुबह विद्यालय छोड़कर तुम यहाँ? देखा अंता जी, हमें मिलने वाले लड्डू अभी से मिल रहे सरकार का खास खबरी जो है। खबरी? ऐसे खबरी होने लग गए तो क्या बात है। सरकार से मिलना है, उन्हें कुछ बताना है मुझे। क्या मेरा मतलब है कुछ जरूरी बात है क्या? हाँ, उन्होंने कहा था कि अगर कोई खबर मिले तो बताना। खबर? क्या क्या खबर? साई के बारे में। मुझे जीवन दान देने के बदले में मैं आपको क्या दे सकता हूँ? ये एक छोटी सी भेंट है आपके लिए, हम दोनों की तरफ से। ये एक कफनी है, आप इसे स्वीकार करेंगे तो हमें लगेगा जैसे आपका आशीर्वाद मिल गया। मेरी पोशाक बदलना चाहते हो काशीराम? साईं, बचपन से देखता आया हूं, माँ के पास एक भगवान कृष्ण की मूर्ति थी। माँ उसके लिए हमेशा वस्त्र बनाती थी, पहनाती थी। मैं पूछता था तो वो कहती थी, भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार अपने आराध्य के लिए वस्त्र बनाते हैं। आप भी तो हमारे लिए भगवान ही हैं।
मेरी और गोदा की इच्छा है कि आप ये कफनी पहने। मना मत कीजिएगा, अगर आप ये कफनी स्वीकार करेंगे तो हमें लगेगा हमें आपका आशीर्वाद मिल गया। तुम दोनों का प्रेम है इसमें तो स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। इतनी ऊपर किस लिए? रात को मैं इसी पर सोता हूं। इतनी ऊंचाई पर? पलक झपकते ही वो इतनी ऊपर उस तख्ते पर कैसे पहुंच गए? और उसके बाद मुझे अरे आगे भी बोलो। मुझे बांसुरी की आवाज सुनाई देने लगी और सच कहूं तो वो आवाज सुन के मन को बहुत शांति मिली। ऐसा लगा जैसे एक अच्छे इंसान। हरिओ, यही करता है वो माधव, तंत्र मंत्र जादू टोना ये सब करके लोगों को वश में कर लेता है। लेकिन तुम अपने ध्येय से विचलित मत होना। पूरे शिरडी के उद्धार का दायित्व है तुम पर। बात की गंभीरता को समझ रहे हो ना? अरे मुंह क्या ताक रहे हो? कुर्सी दो बैठने के लिए माधव को। जाओ। अब नहीं नहीं सरकार इसकी। बैठो बैठो बैठो। माधव, ये संघर्ष है धर्म और अधर्म में। तुम पर निर्भर करता है विजय किसकी होगी। विजय तो धर्म की ही होती आई और इस बार भी जीत धर्म की होगी। हरिओम। कुलकर्णी सरकार को कुलकर्णी सरकार बनाए रखने में दाएं और बाएं हाथ थे हम दोनों। सिर्फ हाथ ही नहीं, उनकी आंखें भी हम ही थे, कान भी हम ही थे और नथुने भी हम ही थे। वैसे उस माधव को आए हुए दिन भी कितने हुए, लेकिन नहीं, सरकार ने सीधा सर पे बैठा लिया उसे। हम तो बस उसके लिए कुर्सी लाने के लिए रह गए। सरकार का खास बन गया है वो। अगली बार कुर्सी लाने को बोला तो खीला लगा दूंगा। खीला लगाना ही है तो सरकार के विश्वास पर लगाओ और दिखा दो उन्हें कि हम भी क्या कर सकते हैं। सरकार के विश्वास पर खीर? हाँ, सरकार के बिना कहे ही हम उस साई पर नजर रखेंगे और जो भी होगा उसकी खबर सरकार को सबसे पहले हम देंगे। दादा, दादा सुनो, गति बढ़ा लो दादा, वरना तुम पीछे रह जाओगे। क्या तात्पर्य है तुम्हारे कहने का चू? अरे दादा, वो तुमसे ज्यादा तेज है, तुम्हारे घर तुम्हारे परिवार तक पहुंच गया है वो। चू जो कहना है वो स्पष्टता से कहो, पहले मत बुझाओ। भगवान तो सिर्फ भक्त की श्रद्धा देखते हैं, फूलों का रंग नहीं। भगवान तो भक्तों की श्रद्धा देखते हैं, फूलों का रंग नहीं। तो रुक्मिणी ने कहा था आज सुबह? नहीं दादा, उसने तो बस दोहराया था। पता है किसने कहा था?
उस साई ने सुबह फूल देते वक्त। कौन सा फूल? वही सफेद फूल दादा जो आज सुबह पूजा में तुमने अर्पित किए थे दादा। वो फूल साई ने दिए थे वहीनी को। रुक्मिणी को वो फूल साई ने? हाँ दादा। पाखंडी ने दिए फूल अर्पित किए मैंने अपने विष्णु को। हाँ दादा, तुम्हारे स्थान पर मैं होती ना दादा तो इस बात से चिंतित होती कि तुम्हारी पत्नी अब उस साई की भाषा बोलने लगी है, और जब प्रजा ये देखेगी कि तुम्हारा परिवार ही अब तुम्हारे वश में नहीं है तो फिर प्रजा कहाँ रहेगी दादा। ये तूने अच्छा नहीं किया रुक्मिणी, ये तूने अच्छा नहीं किया। हरिओम। साईं, हमें एक वचन दीजिए, आपको जब भी किसी भी चीज की आवश्यकता हो निसंकोच हमसे कहिएगा, हम आपकी सेवा का कोई भी अवसर चूकना नहीं चाहते। मेरी सेवा करना चाहते हो तो पेड़ पौधों की सेवा करो, पशु पक्षियों की सेवा करो, मनुष्यों की सेवा करो, वही मेरी सेवा होगी। जरूर करेंगे साईं। चलते हैं साईं। चोर, डाकू, क्रांतिकारी, अंग्रेज सरकार के शत्रु, इसीलिए तो इस ढोंगी पर अंग्रेज सरकार को संदेह है। अल्लाह मालिक। पत्नी अब उस साई की भाषा बोलने लगी है, और जब प्रजा ये देखेगी कि तुम्हारा परिवार ही अब तुम्हारे वश में नहीं है तो फिर प्रजा कहाँ रहेगी दादा। ये तूने अच्छा नहीं किया रुक्मिणी, ये तूने अच्छा नहीं किया। हरिओम। मेरे साथ विश्वासघात, मेरे नारायण के साथ चल। आप क्या बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। साई ने दिए थे वो फूल तुझे? सत्य या सत्य? सत्य। भगवान भक्त की श्रद्धा देखते हैं? फूलों का रंग नहीं। ये भी साई ने कहा था सत्य या सत्य? सत्य। उसकी बात मेरे सामने तूने दोहराई, इसका अर्थ उसकी बात पर तुझे विश्वास था। सत्य या सत्य? सत्य। आओ केशव, आओ। ए, तू क्या कर रही है यहाँ पे? चल निकल। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? तुम यहाँ पढ़ाते हो क्या? क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं, भिक्षा मांगने आई है ये। भिक्षा नहीं, शिक्षा के लिए आई हूँ, पढ़ना चाहती हूँ। पढ़ना चाहती हो तो फिर बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। ये बाहर इसके लिए खड़ी है क्योंकि ये यहाँ नहीं पढ़ सकती। ये किसने कह दिया आपसे? ये विद्यालय है, यहाँ हर कोई पढ़ सकता है। हर कोई में ये नहीं आती, समझे? गोबर के उपले बनाती है ये और इसकी माँ। ऐसे लोगों को आसपास भटकने भी नहीं देते यहाँ के लोग। इसके साथ कोई खेलता भी नहीं है, और कोई खेल भी ले
तो घर जाके सबसे पहले नहा लेता है, और आप कह रहे कि सभी बच्चों के साथ पढ़ेगी ये? छी 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 छी, और ये तो लड़की है, लड़कियों को कौन पढ़ाता है? पार्टी है तुम्हारे पास, वो तख्ती जिस पे लिखते हैं, वो जो उसके पास है पीछे। ये है तुम्हारे पास? नहीं है। तो जाओ पहले पार्टी ले आओ, फिर आ जाना पढ़ने के लिए, ठीक है? आजी आई, मैं बहुत थक गया हूँ। खेलने कूदने की उम्र में इतना बिठा के पढ़ाएंगे तो क्या होगा? कल से विद्यालय जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आजी आई कहती है कि हमें विद्यालय जाना चाहिए, रोज जाना चाहिए। और जब तुम विद्यालय से लौटोगे तो तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद खाने की चीज तैयार रखूंगी। सच? वादा है मेरा। लेकिन तुम्हें भी मुझे एक वादा करना है कि तुम पढ़ लिख कर समाज को सही दिशा दिखाओगी। समाज को सही दिशा दिखाने के लिए विद्यालय जाने की क्या जरूरत है? विद्यालय में ही तो विद्या मिलती है आई, और विद्या से बड़ी शक्ति कोई नहीं है। क्रांति लाना चाहती है शिरडी में। ये किसान का घर है, किसान की ताकत उसकी खड़िया और पटिया में नहीं होती, उसके खेतों में होती है, उसका बीज, उसके हल, उसकी मेहनत। यही मेरे बेटे ने किया है और यही तात्या करेगा। आई, भविष्य में कौन क्या बनेगा ये उसके परिवार या उसके वंश से नहीं, बल्कि अगर उसकी अपनी क्षमता, उसके अपने स्वभाव या फिर उसके अपने फैसले से तय हो तो ये ज्यादा अच्छा रहता है। ऐसा नहीं है कि अनपढ़ इंसान सही फैसले नहीं कर सकता है, लेकिन अगर वो पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, तो उसके लिए 100 दरवाजे और खुल सकते हैं। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तात्या विद्यालय जाए। ये क्या बना रहे हैं? चाहिए तुम्हें? ये मेरे किस काम का? मुझे तो पार्टी चाहिए, बना सकते हैं आप? क्या हुआ, पार्टी नहीं जानते आप? अरे वो तख्ती होती है ना काले रंग की, जिस पर सफेद खड़िया से लिखते हैं, जो विद्यालय में सारे बच्चों के पास है। वो जो गुरुजी है ना, उन्होंने मुझे तख्ती लाने के लिए कहा, तभी मैं विद्यालय में पढ़ सकती हूँ। आई तो तख्ती देगी नहीं मुझे, आप बनाकर दे सकते हैं ना? कोशिश करने से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, पहले तुम प्रयास करके देखो। ठीक है, लेकिन अगर मुझे नहीं मिली तो आप बनाएंगे ना मेरे लिए? मना मत करिएगा, मैं जानती हूँ आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं चलती हूँ। घूमती फिरती है तू, इतना काम पड़ा है, चला हाथ बटा मेरा। मेरे 10-20 हाथ होते तो तुझे नहीं रोकती, जहां मर्जी जितना मर्जी जाके खेलती, लेकिन तेरे और मेरे 2-2 हाथ कम पड़ जाते हैं गुजारे के लिए। उस पर भी तू इधर उधर भटकती रहेगी तो कैसे चलेगा? अब तू वहीं खड़ी रहेगी, चला उपले बना। बाईजा अक्का के यहाँ उपले देने भी जाना है इसके बाद। आई मुझे कुछ चाहिए। अरे हाँ, तेरे पैरों के लिए जूता ना, मैंने बाईजा अक्का से कहा है कुछ पुराना होगा तो तुझे दे देंगी, और तू जा रही है ना वहाँ, उनसे खुद ही मांग लेना। जूता नहीं आई, तख्ती चाहिए मुझे। तख्ती? वो
वो लिखने वाली काले रंग की तख्ती होती है ना, विद्यालय में सारे बच्चे लेके जाते हैं। मुझे भी विद्यालय जाना है, पढ़ाई करनी है। क्या बोले जा रही है तू? विद्यालय, पढ़ाई, ये सब हमारे लिए नहीं झिपरी। क्यों नहीं है हमारे लिए? मैं मंदिर जाने के लिए कहती हूँ तो तुम कहते हो हमारे लिए नहीं है। मैं विद्यालय जाने के लिए कहती हूँ तो तुम कहती हो हमारे लिए नहीं है। जब खंडोबा हम सबके है तो मंदिर हमारे लिए क्यों नहीं? जब गांव हम सबका है तो विद्यालय हमारे लिए क्यों नहीं? जिन सवालों के जवाब नहीं होते ना, उनको पूछने का कोई मतलब नहीं है। चला उपले बना। पहले मुझे बताओ, तुम मुझे तख्ती दिलाओगे या नहीं? नहीं, और मैं ये आखिरी बार कह रही हूँ, समझी ना? जितनी बार प्यार समझाओ, समझती नहीं है तू? ठीक है, मत दिलाओ तख्ती, पर मैं विद्यालय में जाऊंगी और जाकर रहूंगी। जिपरी रुक, सुन मेरी बात। अपनी जिद में अपनी माँ को अकेला छोड़ देगी क्या? तेरे सिवा मेरा है ही कौन? तीन दिन तू कोलू चलाएगी, उससे जो तेल निकलेगा उस तेल से मैं जलाऊंगा देवघर के दिए, तभी होगा शुद्धिकरण पूरे देवघर का। माँ, माँ, ये किसने बांधा? जाके संग 10-20 है ताको। चलो माँ। नहीं केशव, एक खोलू चला के मुझे तेल निकालना है ना बेटा, तुम अंदर जाओ, मैं ठीक हूँ। जाओ। लेकिन ये तेल क्यों निकालना है माँ? देखिए आपके हाथ में भी कितने छाले पड़ गए हैं। इतनी चिंता करता है तू मेरी, लेकिन बेटा ये काम ना मुझे अकेले ही करना होगा, है ना? तुम अंदर जाओ, मेरी चिंता मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, विश्वास करो मेरा। अंदर जा, जा। देखे ना इसे क्या हुआ, ना जाने कौन से कीड़े ने काटा है। सही, इसकी हालत बिगड़ती जा रही है। सही, इसे कुछ होगा तो नहीं? सही, ओह।
सेफ्टी ही जरूरी है। तुलसी के पत्तों का लेप लगा देना, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ये कैसा इलाज है सही? कोई मलम नहीं, सिर्फ मिट्टी और तुलसी के पत्ते। हम सब ने जिंदगी को बहुत उलझा लिया है, सादगी पर किसी को भरोसा ही नहीं रहा है। हम भूल रहे हैं कि प्रकृति हमारी जननी है, हमारे हर रोग हर पीड़ा का इलाज प्रकृति ने हमें दिया है। जरूरत है हमें उसी विश्वास को जगाने की। अल्लाह मालिक। दिन भर लोगों का तांता लगा रहता है इस खंडर में, और हर दिन। आज सुबह भी तो आए थे कुछ लोग, कुछ जड़ी बूटियां निकाल के दे दी उस फकीर ने उनको। मुझे तो लगता है वो वैद है, पर वेशभूषा से लगता है कि कोई फकीर हो। मुझे तो समझ में नहीं आता वो है कौन। अब तुम देखो ना, खंडर में रहते हैं, बड़े ही रहस्यमयी मालूम पड़ते हैं, पर भामा कुलकर्णी सरकार से बड़ा वैद्य इस पूरे शिरडी में कोई नहीं है। हमेशा से लोग उन्हीं के पास जाते रहे दवाइयों के लिए, तो फिर अब इनके पास क्यों आएंगे? सब पता चल जाएगा, पर मुझे अभी बहुत नींद आ रही है, अब आप भी सो जाइए। ठीक है। ये आज फिर बांसुरी की आवाज कहां से आ रही है? जी, कभी आपका और मेरा इंतजार करते हुए देखा है सरकार को? लेकिन इस अध्यापक का रोज सुबह रात देखते सरकार है, खून खून होता है पंता जी, कितना ही पतला क्यों ना हो। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका इंतजार करे अंता जी, तो सबसे पहले उसके लायक बनिए। हमने कौन सी खबर लाके दी है सरकार को इतने दिनों में? नहीं ना, अब देखो
कोई बड़ी बात बताने आया ही है, इसलिए तो कहने में इतनी देर लगा रहा है। अरे माधव बोलो, क्या देखा तुमने? ऐसे हाथ बांधे कब तक खड़े रहोगे? कहीं उस दिन की तरह तुमने उस ढोंगी को जादू टोना करते हुए तो नहीं देख लिया, जो देखकर तुम्हारा माथा वाथा घूम घूम गया है? अरे मौन क्यों हो बोलो? शांत रहो चू। जादू टोना पर अनपढ़ लोग विश्वास करते हैं। माधव तो शिक्षित वर्ग से है, अध्यापक है, वो कहां ऐसे अंधविश्वासों में पड़ने वाला है कि नहीं? और इसलिए मैंने इसको ये कार्य सौंपा है। अगर मैं इन्हें बता दूं कि मैंने क्या देखा तो ये मुझे ही पागल समझेंगे, लेकिन अब कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा। बताओ क्या सोच रहे हो? बैठो बैठो, बैठ जाओ बैठो। हाँ अब बोलो, जो बोलना है वो निसंकोच बोलो। सरकार, एक 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 आदमी आया था साईं से मिलने के लिए। हाँ, उसके साथ एक औरत भी थी, शायद उसकी पत्नी रही होगी। वो आदमी के हाथ में एक लकड़ी थी, उसके सहारे चल रहा था वो लंगड़ाते हुए। अरे काशीराम, आजकल शिरडी में वही एक तो है जो लकड़ी लेकर लंगड़ाते हुए चल रहा है। हाँ, वो काशीराम कपड़ों का व्यापारी। अरे ओ, खबर करना मेरी जिम्मेदारी थी तो इसलिए। लो ये भी कोई बात है बताने की? हाँ ठीक है ठीक है, जाओ। सुनो, ऐसा ही अपना कार्य करते रहो और मुझे सूचित करते रहो। ठीक है सरकार। अरे ओ, दादा एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। क्यों? मैं तुम्हारे ससुराल वालों से कोई बात नहीं करने वाला हूं। वो तुम्हें बुलाने क्यों नहीं आए मैं नहीं सोचता और ना ही सोचना चाहता। अरे नहीं नहीं दादा, मैं मेरे ससुराल वालों के बारे में नहीं सोच रही हूँ। तो मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। दादा तुम शिरडी के मालिक हो, जो चाहे कर सकते हो। उस ढोंगी को यहाँ से निकालना मतलब चुटकी बजाने की देर है दादा। दो पहलवान जाएंगे, उसे उठाकर बाहर फेंक देंगे। फिर तुम इतना इंतजार किस बात का कर रहे हो दादा? सोचा तो कई बार वैसा ही करूं जैसा तू कह रही है, लेकिन जो मैं हृदय से सोचता हूं उसे विवेक से तोड़ लेता हूं। और मेरा विवेक ये कह रहा है उस फकीर ने पूरे शिरडी वासियों का विश्वास जीत लिया है। लोगों के मन में उसके प्रति बड़ी आस्था होने लगी है। और जहां आस्था होती है वहां बलपूर्वक कुछ नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आस्था की आग और भड़क उठती है।
लोग तर्क नहीं सुनना चाहते हैं, उल्टा लोग ये सोचेंगे कि कुलकर्णी सरकार को कुछ भय था साई से, इसीलिए उन्होंने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। लोग मुझे दुर्बल समझेंगे और उसका महत्व बढ़ जाएगा। साई को शिरडी से बाहर फेंकवाना है तो उसकी विचारधारा के साथ फेंकना होगा। शिरडी की सीमा से नहीं, लोगों के मन मंदिर से निकालना होगा उसे। ये होगा आज नहीं तो कल होगा। जिपरी, इतनी सुबह सुबह क्या कर रही है? अरे, इतने सारे अपले बनाने के लिए तुझे किसने कहा था? तूने तो दो दिन का काम एक ही दिन में कर दिया पगली। अब तुम्हें दो दिन तक उपलों की चिंता बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी, है ना? दो हाथों का चमत्कार देखा है? अब तो मुझे विद्यालय जाने की अनुमति दे दो। मैं दोनों काम करूंगी, तुम्हारा हाथ भी बटाऊंगी और पढ़ाई भी करूंगी। तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी, मैं वचन देती हूँ। अच्छा, वो जो तुम शाम को भाकरी बनाती हो ना, उसमें भी मैं तुम्हारा हाथ बटाऊंगी। ना तुमसे नया कपड़ा मांगूंगी, ना जूता, ना कोई खिलौना, ना कोई मिठाई और ना और कुछ, सिर्फ पढ़ाई और घर का काम करूंगी। वचन दिया है ना मैंने? बोलो ना आई, जा सकती हूँ मैं विद्यालय? तुम जब तक हाँ नहीं कहोगी मैं नहीं जाऊंगी विद्यालय। बोलो ना आई, जा सकती हूँ ना मैं? शरारत मत करना और मन लगा कर पढ़ना। हुँ? भाई साहब का, मैंने 6 उपले रख दिए हैं। 6 क्यों? मैंने तो 3 ही मांगे थे। 3 और बनाए थे आपके लिए। ठीक है, तो 6 के पैसे लेती जाना। हुँ? नहीं, पैसे सिर्फ 3 के ही दीजिए, बाकी 3 तो मैं ऐसे ही लेके आई थी। ठीक है। जिपरी, तुझे तख्ती मिली? तात्या, तुम जाओ बेटा। ये तुम्हारे 3 उपलों के पैसे और ये तख्ती। तात्या की पुरानी रखी हुई थी मेरे पास, अगर तुम इस्तेमाल करना चाहो तो। लेकिन तुम्हारी आई। आई से मेरी बात हो गई है, वो मान गई, और अभी तो मुझे तख्ती भी मिल गया, तो मैं विद्यालय में पढ़ने के लिए जा सकती हूँ। हाँ, क्यों नहीं, ये लो। धन्यवाद भाई साहब का। साई,
करने जाना है ना मुझे। ए, क्या समझाया था तुझे? चल जा यहाँ से, तू यहाँ नहीं पढ़ सकती। क्यों नहीं पढ़ सकती मैं यहाँ? अब तो मेरे पास शक्ति भी है। अच्छा लगा रखा है तुम लोगों ने। चिल्लाओ मत, समझे ना? क्योंकि अगर सरकार तक ये बात पहुंची कि तुम क्या कर रहे हो तो क्या होगा बताऊं? लेकिन मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं। गलत नहीं किया है, समाज के नियम को तोड़कर आप इस लड़की को शरण दे रहे हो, विद्यालय में घुसने दे रहे हो इसे, मर्यादा का उल्लंघन है ये, अधर्म है, पाप है ये। अगर सरकार को पता चला तो देखिएगा। सुनिए, मैं अंदर आऊं? मुझे अंदर आने दीजिए ना, मैं पढ़ना चाहती हूँ। चल जा यहाँ से। चल निकल। चल चल। तितली का दिल किसने दुखाया? वो बहुत बुरे लोग हैं। नहीं करना चाहिए था, क्योंकि शिक्षा तो सभी के लिए होती है ना, जो भेदभाव सिखाए वो शिक्षा नहीं। तू हमेशा पूछती थी ना कि मैं तुझे लक्ष्मी क्यों कहता हूं, क्योंकि लक्ष्मी के लिए कोई भी काम असंभव नहीं होता, वो किसी भी दुख को सुख में बदल सकती है, जैसे तुम। नहीं, मैं लक्ष्मी नहीं हूं, मैं किसी भी दुख को सुख में नहीं बदल सकती। सबूरी,
सबूरी रखेगी तो तख्ती भी मिलेगी और शिक्षा भी। कैसे मिलेगी? आओ। बैठो यहां। तख्ती का मुझे तो पता भी नहीं चलेगा कि विद्यालय में क्या पढ़ा रहे हैं। कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साथ। गुरुजी की आवाज कैसे सुनाई देने लगी? अच्छा, लगता है साई ने फिर से चमत्कार किया। अच्छा सब बच्चे अपनी अपनी तख्तियों पर जो यहां लिखा है उसे लिखेंगे, ठीक है? चलो लिखो। मेरे पास तो लिखने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं कैसे लिखूं? लिखो।
बच्चों, अब मैं इसे पढ़ूंगा और आप सभी लोगों को दोहराना है, ठीक है? तुम्हारी तख्ती तो टूट गई थी ना, तुझे तख्ती मिली क्या? तख्ती तो मिल गई, और इतनी बड़ी जो किसी भी झोले में नहीं आ सकती है। ऐसी कोई तख्ती होती है क्या? अच्छा चल बता, हमने विद्यालय में क्या पढ़ा? अभी तेरा झूठ पकड़ा जाएगा। खा, खा, गा, गा, अंगा। चा, छा, जा, छा, इंया, टा, था, डा, डा, इंया। ये सब तुझे कैसे पता? मुझे तो सब पता है। पंता जी, ये माधव के आने से हमारा थोड़ा तो बोझ कम हुआ है। अरे अंता जी, मैं हर दिन सोचता हूँ कि मैं आज आपको मूर्ख नहीं समझूंगा, लेकिन नहीं, आप हर दिन मुझे गलत साबित कर देते। जरा सोचिए, अगर माधव को साई के बारे में कुछ भी ऐसा पता चल गया जिससे सरकार को मदद मिले, तो हमें बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से निकलना पड़ेगा। सोचिए, विद्यालय में ही पढ़ाना था तो पढ़ा तो मैं भी सकता था, लेकिन नहीं, सरकार ने मुझे नहीं चुना। चुना तो किसे? उस माधव को। क्यों? ये हमें सोचना चाहिए। ऐसा क्या है उसमें जो सरकार को हमें नहीं दिखा? पंता जी, माधव तो बड़ा आलसी निकला, तीसरे दिन ही बच्चों को छुट्टी दे दी। अंता जी, खंडर तो खाली है, यही मौका है, शायद वहां कुछ मिल जाए। अंता जी, क्या आप आज से पहले किसी तांत्रिक के अड्डे पे गए हैं? नहीं, और आप? हमारी योग्यता के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगा है उसे मिटाना है, इसलिए चलते हैं। लेकिन साई ने हमें पोपट बना दिया तो? जो डरा समझो मरा। आप बलवान हो और मैं बुद्धिमान, हम दोनों अगर साथ में हो ना तो कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हाँ चलिए। क्या क्या तुम मुझे खेत जोतना सिखा सकते हो? आइए ना। यहां पकड़ी। हाँ सर, सर 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 Sai, Sai,
कुछ भी ऐसा नहीं है ना जो तुम नहीं करना चाहते हो। बायजा माँ, जीवन में जो कुछ भी सीख सकते हैं सीखना चाहिए, क्या पता कब कहाँ कैसे काम में आए। खाना रख रही हूँ, खा लेना। चल चल। चलो बंता जी, चलिए। चलिए। नहीं, पहले आप। नहीं, पहले आप। मैं चाहता हूँ सबसे पहले ये मौका आपको मिले। आपकी तरक्की होगी तो मुझे खुशी होगी ना। पहले आप। नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप। अगर हम दोनों में से किसी की तरक्की होगी तो पहले आपकी। पहले आप। नहीं, पहले आप। एक काम करते हैं, दोनों साथ में चलते हैं। पंता जी। हाँ? पूरा का पूरा खंडर तो खाली है, यहाँ क्या मिलेगा? देखते हैं, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। कुछ लिखा हुआ है। इस पाखंडी को पढ़ना लिखना आता है क्या? अंता जी, अपने परम मित्र श्री माधव जी का लिखा भी पहचान नहीं पा रहे आप? ये तो माधव का लिखा हुआ है। का मतलब माधव? हाँ, सही समझा आपने। जल्दी पानी ला। आई, क्या हुआ आपको? मैं जब घर से निकल रही थी तब तो आप ठीक थी, अचानक क्या हो गया? तुझे क्या लगता है ढोंग कर रही हूं मैं? तुझे मेरी परवाह नहीं है ना, तो मत कर। कोई बात नहीं, अपने बेटे को तो घर पे छोड़ जाया कर, वो मेरा ध्यान रखता है। सुबह से तेरा नाम ले रही थी, तुझे याद कर रही थी, पर तू भी क्या करे, तेरे पास भी कहां समय होता है विद्यालय के चक्कर में। तू कल से नहीं जाएगा, मैं अप्पा से बात कर लूंगी। तू अंदर जा तात्या, लीजिए। आई, पीजिए। उसे क्यों अंदर भेज दिया? क्या वो मेरा कुछ नहीं लगता? दो क्षण अपने नातू से बात कर लूंगी, वो भी गवारा नहीं है तुझे? आई, मैं जानती हूं आप मुझसे नाराज हैं, मुझे आने में देर हो गई इसीलिए ना, लेकिन जानबूझ के देर नहीं की है मैंने। अच्छा, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, माफ कर दीजिए मुझे। आपके खाने का समय हो गया है, मैं खाना परोसती हूँ, उसके बाद जब मैं आपके बालों में तेल लगाऊंगी ना, तब आप आराम से तात्या के साथ बैठकर बात कीजिएगा। मुझे कुछ नहीं खाना, भूखा रहने दो मुझे। क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा मर ही जाऊंगी ना। अच्छा है, तुम लोग चैन से तो रहोगे। तो कुछ नहीं खाएंगी आप? ठीक है, तो मैं भी नहीं खाऊंगी। आपके प्राण जाएंगे, मेरे भी जाएंगे, दोनों साथ साथ जाएंगे। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं भी, वैसे भी मैं तो स्वर्ग जाने वाली हूं, तू कहां चली मेरे साथ? आई बड़ी मेरे साथ जाने वाली,
तुम्हारे साथ जाने से तो अच्छा है मैं खाना खा के जिंदा रहूं। हाँ पक्का। ठीक है, पहले मेरे बालों पे तेल लगा दे, बाद में खाना खाऊंगी। और तुझे भूखे रहना ना तो शौक से रह। सरकार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये दोनों क्या कह रहे हैं। अच्छा, अब अरबी या फारसी में तो नहीं बोल रहे हैं ये बेचारे, जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। बात सीधी है, जो तुम विद्यालय में पढ़ा रहे हो वो सब उस खंडर की दीवार पर लिखा हुआ है, और वो भी तुम्हारी लिखाई में। अब इसका जो मतलब मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि मेरे दादा के साथ तुमने विश्वासघात किया है, वो भी उस ढोंगी के साथ हाथ मिलाकर। ये सच नहीं है सरकार, मैं आपका एहसानमंद हूं। आपने मुझे नौकरी दी, वो भी पढ़ाने की। इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है आपने मुझे, मैं आपके साथ कभी धोखा नहीं कर सकता। उस दिन ये क्या कह रहे थे हमसे पता है सरकार आपको? क्यों नहीं पढ़ सकती वो लड़की इस विद्यालय में? हमारे लाख समझाने के बाद भी इन्होंने उस लड़की से क्या कहा पता है आपको? जा जाकर तख्ती लेके आ। वो तो हमने सरकार आपका वास्ता दिया इसलिए ये रुके। ए? कौन सी लड़की? कहीं ये वो लड़की तो नहीं जो दादा केशव कह रहा था कि कोई झिपरी नाम की लड़की है जो कह रही थी कि जो विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है वो सब वो भी पढ़ रही है? हाँ हाँ हा, वो ही झिपरी। दादा ये वही लड़की है जो गलती से अगर छू जाए तो स्नान करना पड़ता है। हरि ओम। हे देवा, सच सिर्फ ये है कि मैंने उस दीवार पर कुछ नहीं लिखा। इस संसार में कुलकर्णी सरकार का अपने संबंधियों पर से विश्वास सबसे अंत में उठेगा। हरि ओम। तुमने नहीं किया है तो पता करो उस दीवार पर जो भी लिखा है वो किसने लिखा है और क्यों लिखा है। जाओ, सुनो। अंग्रेज सरकार और मुझ में एक समानता है, दोनों को भी बिट बिछे छुरा भोंकने वालों से घृणा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सरकार। प्रमाणित करना तुम्हारा दायित्व है माधव, और ध्यान रहे परिणाम वही आना चाहिए जो मुझे अपेक्षित है। हरि ओम। दो माई, भागती रहती हो ना, इसीलिए जंजीर लाया हूं तुम्हें जकड़ने के लिए। Thank you.
अय्या बहुत सुंदर है। हाँ सुंदर तो है, लेकिन इसकी सुंदरता तब है जब तुम इसे पहनोगी। क्या कर रहे हो आप? घर में भाभी जी है, देख लेंगी, सब हंसेंगे मुझ पर। लेकिन अगर तुमने अभी के अभी से नहीं पहना तो मेरा दिल दुखेगा। भिक्षा दो माई। कैसी लग रही हूं मैं? बहुत सुंदर लग रही हो। महंगी होगी ना बहुत? महंगी का तो पता नहीं, लेकिन अब ये अमूल्य हो गई है। माई भिक्षा दो माई। वो बैरागी राह देख रहे होंगे। सुनिए ये लीजिए। अब भिक्षा नहीं ले सकता माता। रुकिए, मुझे माफ कर दीजिए। वो मैं घर के कामों में उलझी थी, इसलिए देर हो गई। भिक्षा का विधान कहता है माता कि एक बार चौखट छोड़ दी फिर भिक्षा नहीं ले सकते। लेकिन हमारी ऐसी मंशा नहीं थी। कृपया भिक्षा लिए बिना मत जाइए, हमें दुख होगा। संसार में कुछ नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है। मैं फिर आऊंगा, राम जी भला करें। कुछ किया ही नहीं है तो परेशान क्यों है? सरकार भी समझ जाएंगे। पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर मेरे ऊपर ऐसा इल्जाम लगा ही क्यों? अंताजी पंताजी को मुझसे क्या बैर? जो झूठ बोलेंगे, और अगर ये सच भी है साईं भी ऐसा क्यों करेंगे फिर? अंताजी पंताजी झूठ क्यों बोलेंगे ये तो वही जाने। मैं तो बस इतना जानती हूं कि आपको ये काम मिला है पढ़ाने का। अच्छा काम है, आपके मन अनुसार भी है। ये काम हाथ से नहीं जाना चाहिए। एक बात बोलू, आपको ना एक बार साईं से बात करनी चाहिए इसके बारे में। भामा तुमने वो बात कह दी जो मैं सोच रहा था। बिल्कुल बात करनी चाहिए। जानती हो भामा, साईं के बारे में अब तक मुझे जो भी एहसास हुए या जो भी मैंने महसूस किया है वो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा कुलकर्णी सरकार कहती है। मुझे लगता है अगर मैं साईं से बात करूंगा तो मुझे कोई ना कोई हल जरूर मिल जाएगा। तो फिर देर क्यों करनी, आज ही मिलिए। क्या जाने नियति में क्या है। ठीक कहती हो तुम।
ये तो मेरी ही लिखावट है, ऐसा कैसे हो सकता है? गुरुजी रुकिए, मेरा लिखना बाकी है। और ये अक्षर तो मिटा हुआ है, ठीक जैसे मैंने मिटाया था। चमत्कार, चमत्कार है ये। नहीं, चमत्कार नहीं। दो इच्छाओं की शक्ति जो असंभव को भी संभव कर देती है। मैं कुछ समझा नहीं। एक गुरु जो शिष्य को पहचान तो गया है पर उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा है, और एक शिष्य जिसे गुरु मिल तो गया है पर गुरु और उसके बीच समाज के बंधन है। उस गुरु और शिष्य के बीच दूरी मिटाने का ये सिर्फ एक माध्यम है। जिस दिन वो दूरी मिट जाएगी माध्यम भी अपने आप ही खत्म हो जाएगा। गुरु और शिष्य, ये किसकी बात कर रहे हैं आप? गुरु और शिष्य की ही बात कर रहा हूं माधव। गुरु जो जीवन में आए तो शिष्य के जीवन में बांसुरी की मिठास गूंजने लगती है, प्रकृति भी जश्न मनाने लगती है, अंधेरा दूर होने लगता है। आंखें बंद करोगे तो पाओगे इसका जवाब। महसूस करोगे इस संबंध में। और गुरु अगर शिष्य को पहचानने के बाद भी उसे स्वीकार ना करे तो गुरु अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है। गुरु का धर्म क्या है? शिष्य में ज्ञान का बीजारोपण करना, उसे पोषित करना, शिष्य की रक्षा करना, उसे संरक्षण प्रदान करना, अपने ज्ञान की रोशनी से उसके अज्ञान के अंधेरे को दूर करना, दुख के भय और सुख के मोह से दूर ले जाकर उसे संतोष की राह दिखाना, अपने शिष्य को पूर्णता और संपन्नता की राह पर ले जाना।